नेताजी के बाद मैनपुरी की सीट का कौन होगा दावेदार? आजम के बाद रामपुर सीट का कौन होगा हकदार? मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती। नेताजी की सीट पर लड़ सकते हैं भाई शिवपाल, तो वही कौन संभालेगा आजम खान की विरासत? धरती पुत्र यानी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हुई और आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर की सीट खाली हुई। इन दोनों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 दिसंबर को दोनों की सीटों पर वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तय हो जाएगा। आपको बता दें कि इन दोनों सीटों को समाजवादी पार्टी का किला माना जाता है। पिता मुलायम सिंह के निधन के बाद बेटे अखिलेश के सामने चुनौती ये है कि अखिलेश इन सीटों पर टिकट किसको देंगे, आजम और मुलायम की विरासत को कौन संभालेगा? चलिए पहले बात करते हैं नेताजी की सीट मैनपुरी की। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का जन्म भले ही इटावा में हुआ हो, लेकिन उनकी कर्मभूमि हमेशा से ही मैनपुरी रही है। मैनपुरी में नेताजी की सियासत ऐसी थी कि 1989 से आज तक लोकसभा चुनाव में मुलायम या उनकी ओर से किसी प्रत्याशी को मात नहीं दे पाया। और अब मैनपुरी को भी यही इंतजार है कि नेताजी विरासत को संभालने के लिए मैदान में कौन उतरता है। तेज प्रताप यादव का नाम पहले नंबर पर है, जो पहले भी मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं, जो मुलायम सिंह के बड़े भाई के पोते हैं और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। दूसरा नाम शिवपाल यादव का है, जिन्होंने खुद कहा था कि पार्टी कहेगी तो मैं मैनपुरी चुनावी जंग लड़ूंगा। धर्मेंद्र यादव की पत्नी और अखिलेश यादव की पत्नी भी मैनपुरी में चुनाव लड़ने की रेस में दिख रही हैं। कहा जा रहा है कि इन चारों नामों में से मुलायम सिंह की विरासत को संभालने के लिए मैनपुरी से चुनाव लड़ सकता है। मुलायम के निधन के बाद अखिलेश के सामने चुनौती ये है कि उन्हें पार्टी के साथ परिवार को साधना होगा। मुलायम के बाद मैनपुरी जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर बात करें रामपुर सीट की, तो वहां भी अब देखना है कि एमपी एमएलए कोर्ट से 3 साल की सजा होने के बाद आजम खान की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद आजम के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना गया। रामपुर आजम खान का किला माना जाता है। आजम खान रामपुर से 9 बार विधायक चुने गए हैं। उनके बाद उनकी विरासत को संभालने के लिए कई नाम चर्चा में है, जिसमें सबसे पहला नाम है सिद्रा अदिब का है। सिद्रा अदिब आजम खान के बड़े बेटे अदिब खान की पत्नी है। दूसरा नाम आसिम रजा का है। आसिम आजम के बेहद करीबी माने जाते हैं। आसिम रजा पिछले लोकसभा उपचुनाव में हार गए थे, लेकिन आजम खान उन्हें एक बार फिर मौका दे सकते हैं। आपको बता दें कि आसिम रजा शमसी बिरादरी से आते हैं। उनकी अपनी बिरादरी में काफी पकड़ है और वो लंबे समय से सपा के साथ है। लेकिन आजम के बिना रामपुर को जीतना अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी रामपुर में कमल खिला चुकी है, इसलिए सपा प्रत्याशी के लिए बीजेपी को हराना कठिन हो सकता है। खैर, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को किस्मत की पेटी खुलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि मुलायम और आजम के गढ़ में जीत का पताका कौन फहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब की सिटी।